क्रिस, मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। कौन बन चुका है इस हफ्ते का बॉस? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट। और मैं आप लोगों को ये भी बात बताऊं कि प्रियंका के खिलाफ मेकर्स ने एक साजिश रची है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हफ्ते जो है एक कॉम्पिटिशन होता है क्वीन एंड किंग का, जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को हम लगातार पहुंचाते रहते हैं अपने वीडियोस के जरिए। इसी बीच में एक और कॉम्पिटिशन चलता है जो कि जनता जो है पार्टिसिपेट करती है कि इस हफ्ते के आखिरकार आप घर के बीबी के घर के बॉस किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं। और हमने ये जानकारी जो है आप तक भी पहुंचाई थी। इसी बीच में जो है काफी सारी चीजें हुई और कांटे की टक्कर जो है प्रियंका और शिव में भी चल रही थी। और अब जो है शिव इज द बॉस, यानी कि इस हफ्ते के बॉस जो है शिव ठाकरे बन चुके हैं। शिव ठाकरे के फैंस के लिए कांग्रेचुलेशन कि वो बन चुके हैं, पर यहां पर मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि प्रियंका के साथ बहुत बड़ी एक साजिश जो है मेकर्स ने की है। वो क्या है साजिश, किस तरीके की साजिश जो है वो हुई है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप प्रियंका फैन है तो आप लोगों के लिए वो वीडियो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ अगली वीडियो के लिए भी जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।